जी सलमान भाई, अपना तारुफ कराएं, कौन है आप? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सलमान है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह वेपेक्स में लास्ट 12 साल से फैसलाबाद में एक अदारा चला रहा हूँ, वेपेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर। वेपेक्स? वेपेक्स स्पेलिंग WAPEXP, वेपेक्स। ओके, वेपेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नाम से, और इसके साथ हमारा सॉफ्टवेयर हाउस है मेजिंग टेक सॉल्यूशन के नाम से, और एक डिजिटल एजेंसी है वो भी। पहला वाला क्या चीज़ है? वेपेक्स इंस्टीट्यूट है। इंस्टीट्यूट जिसमें क्या क्या सिखाते हैं? उसमें हम लोग वेब डेवलपमेंट, एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फ्रीलांसिंग, उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग, जो आज के हमारा मतलब ज़्यादा फोकस है वो डिजिटल मार्केटिंग है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, ऑफिस मैनेजमेंट है, आई टी रिलेटेड जितने भी कोर्सेज हैं वो हम लोग डील कर रहे हैं। और इसके अलावा जो हमारी मतलब कि सॉफ्टवेयर हाउस है वो अपनी वेब में सर्विसेज दे रहे हैं, और SEO में सर्विसेज दे रहे हैं, और उसके बाद सोशल मीडिया मार्केटिंग में सर्विसेज दे रहे हैं, और उसके बाद एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट में सर्विसेज दे रहे हैं। ये डिफरेंट चीज़ों कॉम्बिनेशन के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। और अलहमदिल्ला फैसलाबाद की हिस्ट्री में हमारा पहला IT इंस्टीट्यूट था, जो कि अलहमदिल्ला इस टाइम ऑलमोस्ट तीन कहले के 2 लाख प्लस स्टूडेंट्स को टीच कर चुके हैं लास्ट 12 ईयर में, और माशाल्लाह हमारे जो स्टूडेंट हैं फाइबर पे अपर पे टॉप रेटेड सेलर हैं, और माशाल्लाह कुछ अपने सोफे हाउसेज चला रहे हैं। और ड्यू टू कोविड हमने एक बहुत बड़ा इशू हुआ है कि ये ऑनलाइन क्लासेस का, तो ऑनलाइन क्लासेस की वजह से अब हमारे स्टूडेंट कुछ UK से हैं, कुछ कराची से हैं, कुछ लाहौर से हैं, कुछ इस्लामाबाद, लाइक डिफरेंट सिटीज हैं, और माशाल्लाह वो भी काफ़ी अचीवमेंट्स करके कोई टॉप रेटेड सेलर है, कोई Level 2 से ली पे काम कर रहा है, तो इस तरह सारा कुछ हम लोग ले कर चल रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि IT मेन रोल प्ले कर रहा है पाकिस्तान की इकॉनमी में, तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीलांसर जनरेट कर रहे हैं। 2019 में मैंने एक टीम बनाई थी, हमने एक काम स्टार्ट किया था कि हम लोग हर साल 10,000 फ्रीलांसर जनरेट करेंगे। तो हमारे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में सेशन होते हैं, लाइक हम लोग प्रॉपर जाते हैं वहाँ पे 2-3 घंटे के सेशन फ्रीलांसिंग पे करते हैं, जो बच्चों के स्किल्स जिनके पास होते हैं, लाइक किसी के पास ऑफिस मैनेजमेंट की स्किल है, लाइक डाटा एंट्री के प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, किसी के पास ग्राफिक की है, किसी के पास वेब की है, किसी के पास एंड्रॉइड की है, तो हम लोग उनके डिफरेंट स्किल्स के ऊपर मतलब को बच्चों को ट्रेन करते हैं और उनको फ्रीलांसिंग की तरफ मूव करते हैं। और माशाल्लाह 2019 में तो हमने ये टारगेट अचीव कर लिया था अपना, 2020 में अनफॉर्चुनेटली कोविड की वजह से हमारा मतलब कि वो एक जो मिशन है उसको स्टॉप लगा हुआ था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मतलब थर्ड वेव से पहले गवर्नमेंट ने परमिशन दिया था इंस्टीट्यूट को ओपन करने का, एंड ओपन करके हमने स्टार्ट पर दोबारा से काम स्टार्ट किया था। अब अगर गवर्नमेंट दोबारा से जब थर्ड वेव के बाद इंस्टीट्यूट ओपन करेगी, यूनिवर्सिटी ओपन है, तो इंशाल्लाह हम लोग फ्रीलांसिंग के प्रॉपर काम करेंगे और बच्चों को फ्रीली फ्रीलांसिंग पर ट्रेन करेंगे, क्योंकि हमारा एक मिशन है, हम लोग बहुत ज़्यादा फ्रीलांसर जनरेट करना चाहते हैं। और गवर्नमेंट के अगर आप रिसेंटली जो अपने PM की स्पीच सुने, उन्होंने स्पेशली बात की 1.5 लाख स्कॉलरशिप उन्होंने अनाउंस की है, इसमें 50,000 स्कॉलरशिप सिर्फ डाटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लोगों के लिए है, तो मीन्स गवर्नमेंट खुद इसमें अब इन्वॉल्व हो रही है, इंटरेस्ट ले रही है। तो ये सारे मतलब कि हम लोग चीज़ें लास्ट 12 साल से कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे खुद की प्रोफाइल्स भी कोऑपरेटिव हैं, और कुछ परमानेंट क्लाइंट्स खुद के लिए भी काम कर रहे हैं। और जो स्टूडेंट करेंटली स्टूडेंट्स हैं वो 1000 प्लस के अराउंड है हमारे पास ऑल ओवर द वर्ल्ड से, जो हमसे ऑनलाइन सीख रहे हैं। तो ये रिहान भाई, हम मैं किस काम आ सकता हूँ आपके? रिहान भाई देखें, मैं हमेशा बात करता हूँ, जो इन्फ्लुएंसर होता है ना वो बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकता है लोगों को अवेयरनेस देने के लिए। तो मेरा मतलब कि मेरी खुद की जो मतलब कि मैं काम कर रहा हूँ, एक तो मैं ये सारे सिस्टम चला तो रहा हूँ अपनी टीम के साथ, लेकिन हमारा मानना है कि अगर आप अच्छे इन्फ्लुएंसर हैं तो आप लोगों को अवेयरनेस दें, वो क्योंकि कोविड की वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो आप लोगों को गाइड कर सकते हैं कि इस चीज़ की तरफ मूव करें, जो कि आप ऑलरेडी कर भी रहे हैं। सो मतलब कि आज हमारी जो मीटअप हो रहा है, इसके मैं यही कहूँगा कि हम भी हम मिल के म्यूचुअली इस पर वर्क भी कर सकते हैं। बताइए क्या करना है मेरे? इसमें हम लोग ये कर सकते हैं, लाइक जैसे नहीं हम लोग नहीं, मैं क्या करूँ आपकी? आप हमारे लिए ये कर सकते हैं, हम भाई देखें आपके पास एक ऑडियंस है, ह्यूज ऑडियंस है, दे वांट टू लर्न, ठीक है, उनके पास कोई वे नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, ठीक है, या उनके पास कहेंगे प्रोफेशनल नहीं है, वी आर प्रोफेशनल अवेलेबल फॉर देम, हम उनको प्रॉपर टीच करेंगे, गाइड करेंगे, वो कैसे फ्रीलांसिंग सीख सकते हैं, वो कैसे ऑनलाइन अर्निंग की तरफ मूव कर सकते हैं। स्पेशली मैं यहाँ पे एक बात करूँ वुमेंस के लिए, बहुत सारी थोड़ा करीब आ जाए जी, बहुत सारी लड़कियाँ या औरतें ऐसी हैं जो घरों में फ्री हैं, कुछ करना चाह रही हैं, उनके पास मतलब कि कुछ उनको स्किल्स नहीं हैं उनके पास, लाइक एक मैं एक एप्लीकेशन डेवलप कर रहा हूँ
और इस एप्लीकेशन को इंशाल्लाह तो बहुत जल्द लॉन्च करने जा रहे हैं। इसमें थोड़ा सा आइडिया शेयर करूँगा, जो घरों में बैठी हुई औरतें जिनके पास कुछ ना कुछ हुनर है, किसी के पास सब्जी हांडी बनाने का हुनर है, किसी के पास सिलाई कढ़ाई का हुनर है, तो हम लोग एक ऐप डेवलप कर रहे हैं जिसमें सारी वूमेंट खुद को रजिस्टर करेंगे और अपने नियर बाय लोकेशन में लोग उनसे सर्विसेज लेके घर में बैठे औरतें मतलब ये कमाना स्टार्ट कर देंगी। तो आप इसमें ये रोल अदा कर सकते हैं कि आप लोगों को अवेयर कर सकते हैं चीज़ों के बारे में, जो जिन प्रोडक्ट्स की हैं, जिन स्किल्स पर हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग लोगों को सिखा सकते हैं, आप लोगों तक मतलब कि हमारा मैसेज कन्वे कर दें, लाइक वी आर डूइंग समथिंग और इसमें आप लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये चीज़ मतलब कि जो आज की हमारी मीटिंग का एजेंडा मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। आपने कभी अपनी वीडियो बना के फेसबुक पर इश्तिहार लगा के प्रमोट किए $100 डाल के $50 डाल के अपनी वीडियो लगा? हाँ जी, मेरी वीडियो पर्सनली मेरा जो खुद का एक पेज भी है सलमान रजा पाकिस्तानी, तो पेज तो मैंने सलमान रजा पाकिस्तानी आज से 8-9 साल पहले डेवलप कर लिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे पास टाइम नहीं था क्योंकि आई वॉज बिजी टू बिल्ड माई ओन ऑडियंस, तो उस वजह से मैंने अपनी मतलब उस चीज़ को टाइम नहीं दे सका। रिसेंटली मैंने एक कामयाबी की वीडियो डाली है वहाँ पर और उसको प्रमोट, उसका मुझे रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा आया, ठीक है, लोग उसमें काफ़ी एंगेज भी हुए, बिजी भी हुआ है मेरे साथ, तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट फर्दर इस वीडियो से मैं काम कर सकूँगा। और जो आपने बात की $50 और मैं हक में हूँ, हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, अगर आप खुद चाहते हैं इन्फ्लुएंसर बनाना चाहते हैं तो आप लाजमी इन्वेस्ट करें, अगर $50 या $100 कुछ भी फेसबुक को आप पे करें, ठीक है, उसमें मतलब आउटपुट में आपको कुछ ना कुछ लाजमी मिलेगा, तो इस चीज़ में मैं आपका काम कर रहा हूँ। ठीक, अगर आपको कॉन्टैक्ट करना हो तो आपका कोई व्हाट्सएप नंबर है? हाँ जी, मेरा बिल्कुल व्हाट्सएप नंबर है 03217658485। अच्छा, आपने कहा कि आप बहुत सारे लोग बनाना चाहते हैं फ्रीलांसर, पाकिस्तान में 250 मिलियन लोग रहते हैं, साल के 10,000 अगर आप बनाएंगे तो 10 साल में आप 1,00,000 लोगों तक पहुंचेंगे और पॉपुलेशन पाकिस्तान की 250 मिलियन से बढ़ के 350 मिलियन हो चुकी होगी, तो आप वन ऑन वन पे क्यों रहना चाहते हैं, यूट्यूब यूडमी से क्यों नहीं पढ़ाना चाहते? रिहान भाई, मैं उसमें आपको एक बात करता हूँ, जो देखिए फ्रीलांसिंग की जो अवेयरनेस ना वो बहुत कम लोगों को थी, लास्ट जितने भी इन्फ्लुएंसर्स ने इस पर काम किया है ना उसकी वजह से लोगों को भी अवेयरनेस होना स्टार्ट हुई है, ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। यूट्यूब चैनल पर भी हम लोग वर्किंग कर रहे हैं, हम लोग अपना प्रॉपर यूट्यूब चैनल लॉन्च किया जिस पर हम लोग अपने वीडियो लेक्चर रिकॉर्डेड लेक्चर भी मतलब सेंड किया करो, लाइव स्ट्रीमिंग भी वहाँ पे किया करेंगे। और सेकेंडली बात ये कि अभी तक नहीं कर रहे, नहीं अभी तक नहीं कर रहे, उसकी रीज़न ये थी कि हाँ भाई हम थोड़ी सी चीज़ों पर काम कर रहे थे, हम लोग एक अपने कह लेंगे ग्रुपिंग कर रहे थे जिसमें हम डिफरेंट सिटीज़ में डिफरेंट लोगों को टारगेट करके देन करना चाह रहे थे प्रॉपर वे के साथ, तो उसमें हमारा ये था कि प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप लेक्चर हों ताकि प्रॉपरली लोग उसको सीखें, उसमें ऐसा बिल्कुल नहीं होगी एक लेक्चर हो गया बाद में सेकंड लेक्चर पता नहीं कब होगा, उसके बाद हमारी प्लानिंग हो रही है, यूट्यूब चैनल हमारा बन चुका हुआ है, वो भी वेबएक्स के नाम से ही हमने बनाया हुआ और उस पर हमारे मतलब के जो वीडियोज़ हैं वो चढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। सेकेंडली जो बात 10,000 वाली की, वो हमने सिर्फ फैसलाबाद का टारगेट सेट किया था कि सिर्फ फैसलाबाद की बाउंड्री में रहते हुए हम लोग फिजिकली बच्चों को जाकर ट्रेन करके फ्रीलांसर बनाएंगे। अभी क्या उसका नाम लेते हैं, अभी हमने उस चीज़ पर 2019 से वर्किंग स्टार्ट की हुई है, या तो कोविड की वजह से हम लोग ये काम नहीं कर पा रहे थे। इवन की जो अगर मैं बात करूँ 10,000 फ्रीलांसर वाले टारगेट में, अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम 1,500+ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो घरों में बैठे फ्रीलांसिंग कर रहे हैं और कमा रहे हैं। उसमें मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं कलीम साहब हैं, उन्होंने मिलकर ये मेरे साथ इनिशिएटिव लिया था, तारिक साहब थे, हम 4-5 लोगों का एक ग्रुप था, वो डिसाइड किया लोगों को मैच्योर करना है, तो उसमें जो हमारे स्पेशल ट्रेनर थे वो सर अहमद रजा मुगल थे, कलीम साहब थे, और जो फाइबर के सुपर सेलर हैं मुमान मिर्ज़ा वो हमारे साथ थे, हम लोगों ने मिलकर लोगों को ट्रेन किया और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे अपनी स्किल्स पे काम करते हुए फ्रीलांसिंग से बहुत ज़्यादा अर्न कर रहे हैं। अब जो बात कर रहे हैं कि आप पूरी ऑल पाकिस्तान पॉपुलेशन की, तो उसमें रिहान भाई हमारा प्लान ये है कि इंशाल्लाह ताला हम जल्द ही ऑनलाइन अपना जो सेशन है उसको लॉन्च करेंगे, और मेरी रिसेंटली अपनी टीम के साथ कल ही मीटिंग हुई है, हम लोग डिफरेंट सिटीज़ में जा रहे हैं फ्रीली, यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस में फ्रीली सेशन अरेंज करेंगे फ्रीलांसिंग को, जिसमें हम 2-3 घंटे में लोगों को उसकी प्रोफाइल कैसे बनानी है, उसके मतलब प्रोजेक्ट कैसे गेट करने, गिफ्ट कैसे बनानी है, ये सारी चीज़ें सिखाएंगे। और सेकेंडली बात ये रही कि उसमें फिर ये होगा कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप बने होते हैं जिन बच्चों के साथ हम फ्रीलांसिंग के सेशन करते हैं, अगर उनको कोई प्रॉब्लम पेश आता है तो हम लोग उनके साथ व्हाट्सएप पर फ़ौरन उनको रिस्पॉन्स करते हैं, उनका प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो इंशाल्लाह ताला फैसलाबाद की हदूद से बाहर निकल रहे हैं हम लोग। और जो हमारा मतलब कि टारगेट है वो मतलब कि बड़ी सिटीज़ तो हैं ही हैं, जो जंग, टोबा, शाहकोट,
सरगोधा, इस तरह की जो मतलब कि छोटे छोटे मतलब कह लें कि सिटीज़ हैं, उनको भी हम लोग टारगेट कर रहे हैं और उन बच्चों को भी हम लोग अवेयरनेस देना चाहते हैं फ्रीलांसिंग के बारे में, बल्कि उनको फ्रीलांसर्स बनाना भी चाहते हैं। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इसी तरह से अच्छा काम करते रहिए। मेरी दुआ है कि आप और करें, और अगर आप इजाज़त दें तो कुछ सजेशंस भी दे दूँ। अच्छा, अगर मेरी टांग टूट जाए तो मैं दिमाग के डॉक्टर के पास जाना पसंद नहीं करूँगा, मैं कहूँगा भी जो टांग का डॉक्टर है उसी के पास जाऊँ। तो आपने बताया आप इंस्टीट्यूट भी चला रहे हैं, आप ऐप भी बना रहे हैं, या फ्रीलांसिंग भी सिखा रहे हैं, या फ्रीलांसिंग भी काम भी कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसा होटल में आ गया हूँ जहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं मिलता, सब कुछ ही मिलता है। तो नॉर्मली जब हम किसी जगह जाते हैं ना, कहते हैं यार अगर हलीम खानी है तो सबसे अच्छी हलीम कहाँ है, अगर चाय पीनी है तो सबसे अच्छी चाय कहाँ है। तो मेरी सजेशन आपको ये होगी कि क्योंकि अब हम ऐसे टाइम पे पहुंच गए हैं जब हज़ारों लोग सिमिलर चीज़ें कर रहे हैं। जब आज से 22 साल 23 साल पहले मैं फ्रीलांसिंग पढ़ाने के लिए बातें करता था तो उस वक़्त जो था ना कोई था ही नहीं, तो आप पता नहीं था। अब क्योंकि बहुत सारे लोग हैं तो मेरी सजेशन आपको ये होगी कि इन पाँच में से एक चीज़ पकड़ लें और उसके अंदर आप जो हैं मशहूर हो जाएँ कि जी अगर फ्रीलांसिंग सीखनी है, अगर सॉफ्टवेयर बनवाना है, अगर फलाना चीज़ थी तो इसके पास चले जाओ। और किसी की मेरी सजेशन है, मैं आपको मैं पूरी कर लूँ फिर आप बता दीजिएगा, वो तो आप समझा ही चुके सारी बातें। सजेशन को चुप करके सुनना चाहिए, अच्छी लगे रख लें, नहीं लगे तो अलमारी में बंद करके फेंक दें। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जितने पैसे आप ट्रैवल पर खर्च करेंगे, जाने पर खर्च करेंगे, चीज़ों पर खर्च करेंगे, एक से डेढ़ साल के लिए ये बिल्कुल बंद कर दें और फोकस करके सिर्फ़ और सिर्फ YouTube और Facebook पर Udemy पे पढ़ाना शुरू कर दें और कुछ ना करें। डेढ़ साल के बाद इस वक्त बेहतरीन टाइम है कोविड की वजह से कि आपको निकल भी नहीं सकते, जा भी नहीं सकते, तो आप अपने ऊपर काम कर सकते हैं और उस तरीके से आप अपनी रीचेबिलिटी ना कि सिर्फ के पाकिस्तान के 200 मिलियन रीच तक बल्कि इंडिया के भी 1.5 बिलियन लोगों तक पहुँच सकते हैं, क्योंकि ज़बान एक ही है। बाकी आपकी मर्जी, जैसे आपको बेहतर लगे उस तरह ज़रूर कीजिए। शुक्रिया। नहीं, आप एक्सप्लेनेशन ना दीजिए, बोलिए भी नहीं, बस बात ख़त्म हो गई, टाइम ख़त्म हो गया। बहुत मैंने सुन लिया आपको, बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह आपको बहुत जो आपके हक में अच्छा हो आपसे करवाया। थैंक यू सो मच।